योगी सर, मैं संगीता बोल रही हूँ। योगी का जवाब, बताइए संगीता, आपकी क्या समस्या है? संगीता का जवाब, सर प्रचारे मुझे नियुक्ति नहीं दे रहे। योगी का जवाब, अगले 2 घंटे में आपको नियुक्ति मिलेगी। और फिर संगीता की 24 घंटे में बदल गई जिंदगी। सीएम योगी और एक शिक्षिका के बीच में बातचीत का यह नमूना है। अब जरा सोच कर देखिए, सीएम साहब की संगीता से फोन पर बातचीत के बाद क्या हुआ होगा, कितने नपे होंगे, कितनों पर गाज गिरी होगी और कितने देर में योगी ने नियुक्ति दी होगी संगीता को। फोन पर बातचीत के बाद सीएम योगी एक्शन में आए और फिर एसपी और डीएम के हाथ पैर फूल गए। देखते ही देखते हाफते हुए संगीता की नियुक्ति हो गई। ये संगीता सोलंकी कौन है और क्यों फोन पर सीएम की बातचीत आज वायरल हो रही है? योगी के आदेश के बाद ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सुनिए क्या है ये पूरा का पूरा किस्सा। पीड़ित महिला का नाम संगीता सोलंकी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा पास करके जब वो नियुक्ति लेने गई तब मेरठ के भागीरथ कन्या इंटर कॉलेज में उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। प्रबंधन संगीता से रिश्वत मांग रहा था। संगीता नियुक्ति पत्र लेकर इधर से उधर भटक रही थी, सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बाद जो कुछ हुआ इसका अंदाजा ना तो प्रबंधन को था ना ही लिपिक को। संगीता सोलंकी ने सीधा सीएम को फोन खटखटा दिया। सीएम के यहां फोन की घंटी बजी। इसका अंदाजा तो संगीता को भी नहीं था क्योंकि संगीता की ना तो कोई राजनीतिक पहुंच थी ना आधिकारिक पहुंच। 24 घंटे में संगीता की जिंदगी बदलने वाली थी। रविवार का दिन था। रविवार के दिन जब संगीता ने हिम्मत जुटाकर सीएम आवास में फोन घुमाया, अधिकारियों ने फोन उठाया, संगीता ने सारी की सारी आप बीती अधिकारी को सुना दी। अधिकारी ने सीधा सीएम साहब को बताया। सीएम ने कार्रवाई करते हुए संगीता की फोन पर बात सुनी। संगीता ने फोन पर सीएम साहब से कहा कि हेलो, मैं बुलंदशहर से संगीता सोलंकी बोल रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। सीएम सर से निवेदन है कि मुझे कार्यभार कराने का कष्ट करें। मुझे नियुक्ति देने के बजाय प्रबंधक मुझसे रिश्वत मांग रहा है। बस फिर क्या था, इतनी बात सुनते ही सीएम गुस्से में आ गए। और रिश्वत की बात को सुनकर योगी वैसे भी नाराज हो जाते हैं। सीएम ने सबसे पहले मेरठ फोन घुमाया और सभी अधिकारियों को लाइन पर लिया, तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए, जांच की बात कही और नतीजा ये हुआ कि कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई हुई और फिर सोमवार को ही संगीता को नियुक्ति मिल गई। यानी बुलंदशहर की संगीता की जिंदगी योगी ने चंद घंटों में बदल दी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में भी सवाल होगा कि आप भी अगर सीएम साहब से बात करना चाहते हैं तो फिर कैसे बात करेंगे। हो सकता है कि आप भी इंटरनेट पर दूसरों की तरह सीएम का नंबर खोजेंगे और खोजते खोजते थक जाएंगे। जबकि अगर आपकी कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री कार्यालय पर फोन कर सकते हैं। योगी वैसे तो बहुत कम मामलों पर सीधी बात करते हैं और अगर आपकी बात में दम हुआ और फिर सीएम साहब सीधा आपके साथ लाइन पर हो सकते हैं। यानी योगी साफ कर रहे हैं कि वो इस बार कुछ अलग अंदाज में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।